नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला, और क्या क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, बीच में जो है संडे के सेशन में जो है यहाँ पर वीडियो अपलोड हम नहीं कर पाए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम था इसकी वजह से। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जैसे कि यहाँ पर बायोडिवर्सिटी पर हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग डिसाइड भी किए थे कि डायवर्जन का यहाँ पर जो है स्टैंड यहाँ पर कंट्रोल होते हुए दिख रहा है, यहाँ पर डायवर्जन जो है सेलिंग का यहाँ पर जो है सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो एक करेक्शन यहाँ से लेना चाहिए, वही करेक्शन यहाँ पे लिया। ठीक है, आप लोग देखेंगे वीडियो पूरा वॉच किए होंगे तो उनको प्रॉपर तरीके से पता होगा कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ से एक सेलिंग आना चाहिए। सेलिंग यहाँ पर आया भी, जैसे कि यहाँ से निकला था इंपल्सिव इनकरेक्टिव, इंपल्सिव इनकरेक्टिव, इंपल्सिव इनकरेक्टिव, तो करेक्टिव जो है बाकी था। हमने डिसाइड किया था कि इस एरिया में अगर कुछ सपोर्ट लेते हुए दिखता है, कुछ यहाँ पर जो अपना सेटअप बनता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर बैंक से ट्रेड का प्लान करेंगे, जैसे कि यहाँ से एक ट्रेलिंग सपोर्ट इस तरीके से क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, लेकिन उस ट्रेलिंग सपोर्ट को यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दिया, टेम्परे में देखेंगे तो, और नीचे की ट्रेड किया, और यहाँ पर देखें कि एक नई रैली की यहाँ से शुरुआत हो गया 15 मिनट के टेम्परे पर। हर बार देखेंगे कि इस एरिया के ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पर जाकर के यहाँ पर ब्रेकआउट किया, 800 के ऊपर जाकर ब्रेकआउट किया, और सबको यहाँ पर जाकर के ऑप्शन बायर को यहाँ पर बिठाया, और यहाँ पर ऑप्शन बायर को बिठा करके फिर ऑप्शन को यहाँ पर सेल किया गया, मतलब कि कॉल बायर को यहाँ इन्वेट किया गया, और यही कॉल बायर के यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो कॉल बेचा गया। आज के समय में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल बेचा गया है, जो लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं वो हर करेक्शन पर क्या करें, पोजिशन को एवरेज कर रहे हैं, हर करेक्शन पोजिशन पोजिशन को एवरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे कि करेक्शन आना चाहिए, करेक्शन यहाँ पर आया, बस इस एनालिसिस में हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस नहीं कर पाए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कल के समय किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है, और आज किस तरीके से हम लोग जो है ट्रेड का प्लान किए। ठीक है, अब डाइवर्जन का सेटअप मेरा है, हर बार आप लोग को बताते हैं, डाइवर्जन हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, इस सब चीज़ पर जो हम काम करते हैं, आपको पता होगा कि किस तरीके से हम काम करते हैं, वही सेम वही स्ट्रेटजी पर जो है आज मैंने ट्रेड का पंच किया था। ठीक है, वो जो यहाँ पर कॉस्ट को निकलना पड़ेगा, वो जो ब्रोकरेज मेरा है वो यहाँ पर हमको जो है पे करना पड़ा। ठीक है, देखिए ऐसा नेटवर्क का थोड़ा सा यहाँ पर इशू है, तो थोड़ा सा जहाँ पर रुकता हूँ वहाँ पर जो है स्पीड बढ़ा देना उसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से मार्केट यहाँ से खुला, इस एरिया से, यहाँ से इस एरिया से खुला। ठीक है, देखेंगे यहाँ से खुला हुआ है, गिरते आए गिरते आए गिरते आया। ठीक है, पूरा पिछला को रिस्पेक्ट दिया रिस्पेक्ट दिया रिस्पेक्ट दिया रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, लेकिन जब भी यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा क्या कर रहा है, नया लो लगा रहा है, नया लो लगा रहा है, नया लो लगा रहा है। ठीक है, और जब यहाँ से सेलिंग आया है, देखेंगे यहाँ सेलिंग आने के बाद क्या हुआ है कि इस लो को रिस्पेक्ट नहीं दिया और घूम करके गया, रिसा को यहाँ पर ब्रेक किया, तो इसी हाई पर हमने जो है रेट का पंच किया था। डाइवर्जन में अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जन यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से एक्टिव होते हुए यहाँ पर दिख रहा था, और एक यहाँ पर जो है राउंड फिगर नंबर भी था जो कि 790 के एरिया है, एक राउंड फिगर नंबर भी था, तो यहाँ पर जो है इस एरिया में हम यहाँ पर ट्रेड का पंच किए थे, यहाँ पर जो है बैंक का प्लान किए थे, रिवर नंबर स्टॉप लॉस था। ठीक है, डाइवर्जन में भी देखेंगे यहाँ पर जो है इसमें नया लो लगाया है प्राइस में, और यहाँ पर डाइवर्जन नया लो लगाने में सक्षम नहीं था, तो प्रॉपर तरीके से दो तीन यहाँ पर जो कन्फर्मेशन यहाँ पर था, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर था, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है ट्रेड का पंच किए थे। मार्केट लगभग 1.50 रुपया यहाँ पर बच गया था, हमने कोस्ट को लगा दिया यहाँ पर, ये मेरा जो स्टॉप लॉस यहाँ पर था, हम इसी पॉइंट पर उठा करके लगा दिए कि चलो अगर मोमेंटम अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिल पाया तो हमें कोस्ट को यहाँ से लेकर के निकल जाएंगे। यहाँ पर मेरा जो है कोस्ट को स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, और मार्केट से हम ट्रेड को एग्जिट कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो आज के समय में ट्रेड का प्लान करना था, और चलिए इसको फिर डिसाइड बड़ा टाइम फ्रेम समझेंगे कि एक लेवल को जो है एक लेवल को आइडेंटिफाई करके आप प्रॉपर तरीके से एक सेटअप कैसे एक्टिव कर सकते हैं, अपना स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जाना पड़ेगा सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और उसके लेवल आपको निकालना पड़ेगा, लेवल कैसे निकालते हैं नहीं निकालते हैं। ठीक है, अब उससे देखिए हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई भी ड्रॉ कर लेता है, सप्लाई एंड डिमांड इनको भी ड्रॉ कर लेता है, लेकिन उस पर देखिए सप्लाई पर ज़्यादा सब लोग बाइंग करते हैं, उसका स्टॉप लॉस होता है मैक्सिमम टाइम, ऐसा होता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा, डिमांड जोन के पास जाता है, सेलिंग जोन के जब पास जाता है वहाँ पर भी सेल करते हैं, तो वहाँ पर जाकर के मार्केट अपर कैसे निकलता है, वो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है। तो ये सब चीज़ अक्सर एक नए ट्रेडर के साथ होते रहता है, वो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वो चीज़ आपको जो है क्लियर करते हुए आपको आज के समय बताएंगे, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच करना तो ही आपको सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि वीडियो में बीच में छोड़ के चलाएंगे उसके बाद बोलेंगे कि यार फलाना डिम कैसे लर्न करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से समझते हैं। ठीक है, डेली टेम्परे में आते हैं, इसको जो है यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे, इस सब चीज़ को हम हटा देते हैं पहले,
ठीक है, यहाँ से एक अपना टेंडन इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकला मार्केट, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से निकला सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से निकला सपोर्ट लिया, घूम करके इस तरीके से गया है, ठीक है, फिर से उसी पॉइंट पर यहाँ पर आया है। मैक्सिमम टाइम को क्या लगता होगा सबको कि यहाँ से मार्केट जो अपर कैसे गया, इस टर्न के सपोर्ट लेकर के यहाँ से गया है, तो यहाँ से भी मार्केट अपर कैसे जाना चाहिए। लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए आपके अंदर में, ये चीज़ जो ये मैंसेट कभी नहीं होना चाहिए कि यहाँ से अपर कैसे निकलेगा, बिंदा से रैंडमली ट्रेड आपको जो है नहीं करना, ठीक है। अब इस एरिया में क्या कर रही है, आपका एक स्ट्रेटजी रहता है, एक अपना सेटअप रहता है, अगर उस चीज़ स्ट्रेटजी और सेटअप अगर आप अप्लाई होते हुए दिखता है तो आपको उस पर काम करना है, ठीक है। ये है डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में इस तरीके जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड सपोर्ट हो गया डेली टाइम फ्रेम में, और एक यहाँ से हम लोग यहाँ पर यहाँ से भी एक ट्रेंड रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, एकदम नीचे तक का ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ है, इसलिए सेलिंग आया, फिर करेक्शन लिया, फिर सेलिंग आया, फिर करेक्शन लिया, फिर सेलिंग आया, फिर करेक्शन लिया, ठीक है। तो करेक्शन लेने के बाद क्या कर रहा है, सेलिंग जब आ रहा है तो पिछले को तोड़ रहा है, ठीक है, करेक्शन लेने के बाद क्या हो रहा है, पिछले को तोड़ रहा है, और यहाँ पर भी करेक्शन लिया है, और यहाँ से फिर सेलिंग आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो मैक्सिमम पे यहाँ क्या हो सकता है कि अब पिछले को यहाँ पर तोड़ सकता है, प्राइस एक्शन ये कहता है, हम नहीं बता रहे, प्राइस एक्शन नहीं कहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करना है, इसलिए हमने जो है आपको एनालिसिस की वीडियो देखेंगे तो दो तीन दिन यहाँ लगातार हम दिए हैं, ठीक है। हर बार यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो है, यहाँ पर डाइवर्टिंग भी सेलिंग के ऊपर जो है पोजिशन बता रहा है कि यहाँ पर कोई यहाँ पर बड़ा प्लेयर ऐसा है जो यहाँ पर सेलिंग सेल करके जा रहा है, ठीक है। सेल कौन कर रहा है, यहाँ पर जाकर के 800 पर ब्रेकआउट करवा रहा है, और बायर को यहाँ पर बुलवा रहा है कि भाई यहाँ पर तुम कॉल ले करके जा, और तुम ही लोग को हम यहाँ पर कॉल बेचेंगे और मार्केट को नीचे साइड लेकर के जाएंगे, और तुम लोग को यहाँ पर लॉस दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडिटी देखने को मिला, ठीक है, और अपना सेटअप देखेंगे कि इस एरिया बना था एक, ठीक है। आप लोगों को पता होगा प्रॉपर तरीके से किस तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस किए थे कि अपना एनालिसिस था, हम लोग बताए थे कि यहाँ पर जो है बहुत छोटे सेलिंग जोन है, लेकिन सेलिंग जोन की मतलब ये हो नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सेलिंग जोन है तो यहाँ पर हम लोग को सेलिंग करना है, यहाँ पर अपना सेटअप बना कर रखना, अपना सेटअप स्ट्रेटजी बना करके रखना, आपके अंदर स्टिक है, मूविंग एवरेज है, क्रॉस ओवर है, क्या भी है, ठीक है, बोलेंजर बैंड फलाना डेम का जो भी चीज़ है आपको उसी बना करके रखना है। मैक्सिमम टाइम उसमें जो है कम से कम 300 ट्रेड आप लिए हो, उसके क्या अच्छाई है क्या बुराई है उसी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद उसमें ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से क्या स्टॉप लॉस क्या टारगेट होना चाहिए और ये सब चीज़ पता होगा, ठीक है। अब ये हो गया 1 आवर टाइम फ्रेम का ट्रेंड रेजिस्टेंस ये वाला, और ये हो गया डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर वेव बन रहा है, ठीक है, ये जो करेक्शन लिया है, सेलिंग आया फिर करेक्शन लिया है, ठीक है, उसी करेक्शन में यहाँ पर क्या बन रहा है, एक वेव बन रहा है जिसको बोलते हैं बेरिश फ्लाइक पैटर्न, ठीक है, क्या बोलते हैं बेरिश फ्लाइक पैटर्न, ठीक है। इसे हम लोग हटा देते हैं डेली टाइम का जो है, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम भी तो वही सेम टिकट यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे एक यहाँ पर पहले सप्लाई जो, ठीक है, ये है अपना सप्लाई जो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे सपोर्ट, टेलनेट सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे क्लोन, मौसम रेड क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर आ गया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, सेलिंग आया करेक्शन लिया, सेलिंग आया करेक्शन लिया, सेलिंग आया करेक्शन लिया, सेलिंग आया करेक्शन लिया, सेलिंग आया, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर नया हाई नया हाई नया हाई नया हाई, ये भी नया बनाया है, ठीक है। पिछले को रिस्पेक्ट दिया, पिछले को रिस्पेक्ट दिया, पिछले को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, अब देखिए यहाँ पर जो पिछले को यहाँ पर तोड़ दिया है, ठीक है, और यहाँ पर पिछला हाई को भी ब्रेक किया, मतलब दोनों तरफ से यहाँ मार्केट अपर के सेट या फिर डाउन के सेट दोनों तरफ से निकला हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया ट्रेंड सपोर्ट, थोड़ा सा और इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया ट्रेंड सपोर्ट, ठीक है, अब ये हो गया ट्रेंड सपोर्ट और ये है ट्रेंड रेजिस्टेंस, यहाँ पर बड़ा टेम्पर 1 आवर टेम्पर आपका सेलिंग जोन है, सेलिंग ट्रेंड रेजिस्टेंस है, रेक्टेंगल जोन है, और ये ट्रेंड रेजिस्टेंस यहाँ पर भी दो तीन कन्फर्मेशन यहाँ पर है कि स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग जोन है, 800 का नंबर पर नंबर भी अराउंड फिंगर नंबर भी है, यहाँ से एक सेलिंग आना चाहिए। बस आपको क्या करना है, सेलिंग आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार, देखिए हर बार आपको एक चीज़ बताते हैं कि आपके माइंड में एक ही चीज़ क्रिएट होता रहे, तब आपके ट्रेड जो लेने से पहले आपको ये चीज़ याद आए कि नहीं मेरा सेटअप बना नहीं है, हम ट्रेड नहीं लेंगे, सेटअप बन गया है ट्रेड लेना है, ठीक है। इस एरिया में आपको ढूंढना है कि क्या मेरा सेटअप एक्टिव हुआ है, उसके बाद आपको ट्रेड का प्लान करना है, अगर सेटअप एक्टिव नहीं हुआ तो ट्रेड का प्लान एकदम नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया एक लेवल, अभी भी हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड लेंगे 15 मिनट की टेम्परेचर एनालिसिस करेंगे, 5 मिनट की टेम्परेचर पे और 2 मिनट की टेम्परेचर पे हम लोग ट्रेड का पंच करेंगे, ठीक है। ये हो गया एक लेवल निकालना, ये हो गया बड़ा टेम्परेचर का लेवल। अब सीधा चलते हैं हम लोग 15 मिनट की टेम्परेचर पे, ठीक है। देखिए लेवल अगर निकालेंगे तो एक लेवल यहाँ पर भी हो गया ये वाला, जो कि 780 का है, और एक लेवल हो गया 790 का, ठीक है, ये वाला एरिया।
तो इस एरिया में देखेंगे तो बहुत यहाँ से सेलिंग जोन है और ये वाला डिमांड जोन है, तो इस एरिया में थोड़ा सा लिक्विडिटी देखने को मिलेगा। इस एरिया पर आने दो ठीक है, या फिर इस एरिया को ऊपर निकलने दो, तो मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ठीक है। आपको देखिए हर चीज़ समझना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से ठीक है। यहाँ से देखेंगे कि 780 का लेवल था ठीक है, 700 ये हो गया 80 का लेवल, ऐसा चलो ये हो गया। हम नीचे से देखेंगे इसी को मेरे हिसाब से क्लोन करना चाहिए एक लेवल के अनुसार ठीक है। एक सेलिंग आया ठीक है, सेलिंग करेक्शन। अभी नया लो बनाते हुए मार्केट चल रहा है इस तरीके से। वेव की अगर बात किया जाए 1 2 3 4 5 वेव कंप्लीट है भाई, वेव 5 वेव कंप्लीट है, 6th 7th वेव यह मार्केट यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर को चेंज करेगा ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल को हटाएंगे, जो ट्रेन सपोर्ट है इसे हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, कि मान के चलिए अगर इसको ब्रेकडाउन होता है तो 780 का जो लेवल यहाँ पर ये अड़ जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर दिक्कत करेगा, तो हम लोग को इसी को लेकर के चलना है, इसी लेकर के हम लोग को नहीं चलना है। अगर हम लोग क्या करना है, इस एरिया में बाइंग का प्लान करना है। ऐसा क्यों ठीक है, ऐसा क्यों, ये सब चीज़ हटाते हैं, इसको पहले हटाते हैं ठीक है। और एक यहाँ पर 15 मिनट के टेम्पर पे एक ट्रेलिंग रेजिस्टेंस यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ऐसा ऐसा कुछ ठीक है, इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे डाइवर्जेंस भी आपको लगते हुए दिखेगा है ना, एकदम सिंपल से जितना ताम झाम करोगे ना उतना पागल हो जाएगा। इसमें डाइवर्जेंस देखिए नया, इसमें जो प्राइस नया लो लगाया है ठीक है, और डाइवर्जेंस यहाँ पर देखेंगे तो नया लो लगाने में सक्षम एकदम नहीं है भाई साहब, कोई यहाँ पर खरीद करके जा रहा है ठीक है, कोई यहाँ पर जो है खरीद करके जा रहा है ठीक है। अब बीच में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं, हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एक लेवल पे आता है, एक रेजिस्टेंस पे आता है, एक सपोर्ट पे आता है, उससे उस एरिया में जा करके डिमांड जो है या फिर सप्लाई जो है उस एरिया में जा करके अगर अपना सेटअप क्रिएट होता है बनता है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। जैसे कि 800 का जो लेवल है, 780 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग एक जो है रेजिस्टेंस यहाँ पर है, मार्केट यहाँ पर देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ से मार्केट निकला है, तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर भी निकल सकता है ठीक है, ऐसा नहीं कि निकल ही सकता है। आपको इस एरिया में बैंक का प्लान ढूंढना है, यहाँ पर इस तरह से आ सकता है कि सेलिंग आया करेक्शन आया सेलिंग आया करेक्शन, यही क्रिएट करते हुए नीचे से भी निकल सकता है ठीक है। लेकिन उसके लिए तैयार बैठना पड़ेगा कि मार्केट में क्या एक कुछ क्या कंडीशन होगा तो उसके लिए क्या करना है, और एक कंडीशन होगा तो उसके लिए क्या करना है ठीक है। अब हम लोग को देखना है ठीक है, यहाँ सेलिंग आया है, एक हाई ये हो गया, एक हाई ये हो गया, एक हाई ये हो गया ठीक है, और पिछला लो ये हो गया, पिछला लो ये हो गया, पिछला लो ये हो गया ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को कल के समय किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है, ये हो गया एक लेवल ठीक है। अब हम लोग को चलेंगे ऑप्शन चेन के डेटा समझेंगे, ऑप्शन चेन में क्या क्रिटिया हो रहा है, ऑप्शन में इधर उधर पुथल हो रहा है ठीक है। आज की जो सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पुट बायर लॉन्ग बिल्डअप किए हुए, देखिए लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर हुआ है ठीक है। 383,000 क्विंटिटी बेचा गया, 338,000 क्विंटिटी, 2.5 लाख क्विंटिटी है ना, 2 लाख क्विंटिटी, 5 लाख से ज़्यादा 5.5 लाख क्विंटिटी यहाँ पर जो बेचा गया ठीक है, बेचा गया उसके अगेंस्ट में बायर यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल है ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब यही है कि उसके अगेंस्ट में बायर यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब कि लोग पुट को लेकर के बाइंग करके यहाँ से निकले हैं ठीक है। और यहाँ पर देखिए शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर सेलर के अकॉर्डिंग बायर के अकॉर्डिंग सेलर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैठे हैं, इसके लिए यहाँ पर जो है कोई खरीदने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर सब बेचने के लिए इंटरेस्ट है, इसके लिए यहाँ पर हो गया है लॉन्ग बिल्डअप। खरीद यहाँ पर वही लोग खरीदते होंगे जो यहाँ पर पहले कॉल कर गए हैं, वही लोग पोजिशन को यहाँ पर एवरेज करते हैं, वही लोग को हर एक करेक्शन पर पोजिशन को एवरेज करते हैं, यहाँ पर ट्रैफ होकर इस तरीके से निकल जाते हैं ठीक है। तो हम अगर डेटा के अनुसार देखा जाए, डेटा यहाँ पर टोटल बेरिज बता रहा है ठीक है, डेटा का देखेंगे यहाँ पर टोटल बेरिज बता रहा है, यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग ठीक है ओपन हिस्ट्री के चेंजिंग चेंजेस के अकॉर्डिंग कॉल के सेट के और पुट के सेट अगर देखा जाए तो यहाँ पर कॉल के सेट ज़्यादा है और पुट के सेट से बहुत ज़्यादा कम है ठीक है। तो डेटा यहाँ पर टोटल बेरिज बता रहा है ठीक है। अगर चार्ट को देखें तो चार्ट में बता रहा है कि भाई हम 5 मिनट कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम यहाँ से मोमेंटम आपके सेट दे सकते हैं ठीक है। तो हमको देखिए अब 15 मिनट के टेपर पर क्या बता रहा है कि मोमेंटम आपके सेट आना चाहिए, तो उसके लिए हमको तैयार बैठना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तैयार बैठना पड़ेगा ठीक है। अगर मान के चलिए मार्केट अगर मॉर्निंग में इसी में खुलता है ठीक है, इसी में खुलता है, हम कुछ ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड आपको देखिए प्रॉपर तरीके से बता दें, आपको 12:00 बजे बाद ही आपको ट्रेड बनेगा इसमें ठीक है, प्रॉपर तरीके से
अब क्या करना है कि अब छोड़ देना, कुछ नहीं करना, वो 780 के लेवल पे और 790 के लेवल पे, इस पे आपको जो फोकस करके चलना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फोकस करके चलना है। अगर मान के चलिए मार्केट यहीं पर खुल करके इस तरीके जा करके अगर इस हाई को रिस्पेक्ट देता है, उसके बाद अगर इस लो को तोड़ता है, ठीक है, इस लो को तोड़ता है यहीं पर इस तरीके से आकर के, एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पर आपको बनेगा, एक सेलिंग के सीट आपको ट्रेड लेना है और 780 तक आपको यहाँ पर टारगेट रखना है, ठीक है। अगर मान के चलिए मार्केट यहीं पर खुल करके सीधा धड़ाम से नीचे से इस तरीके से गिर गया, ठीक है, तो हम वेट करेंगे, आपको ट्रेड इसमें नहीं लेंगे, हम लोग वेट करेंगे क्या कि इस एरिया में क्या करते हैं, फुलफिल होता है, अगर बुलिश प्राइसन मानता है, डाइवर्जन सपोर्ट करता है, ये एरिया अगर काम करता है, डिमांड जोन की तरह काम करता है, सपोर्ट रहते हुए दिखता है, तो हम लोग यहाँ पर बाइक से ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। या फिर इस तरीके से आता है नीचे से, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये वाला वोलेटाइल कुछ होता है, देखेंगे कि नया हाई बनाने में सक्षम नहीं है और सेम सपोर्ट यहाँ पर रख रहा है, पर कुछ प्राइसन बेरिश प्राइसन यहाँ पर बना रहा है, तो हम लोग यहाँ पर सेल के से ट्रेड का प्लान करेंगे। ज़्यादातर हम यहाँ पर जो बुलिश रहेंगे, मेरे मेन सेट यहाँ पर बुलिश रहेगा, अगर बुलिश प्राइसन बना फुल हम यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है, सिंपल स्ट्रेटजी रहेगा। अगर मान के लिए गैप अप और गैप खुलता है, ठीक है, अगर गैप अप खुलेगा तो जैसे कि यहाँ पर देखें इंपल्सिव इन क्रिएटिव, इंपल्सिव इन क्रिएटिव इस तरीके से निकला है, तो ये वाला जो मोमेंट है यहाँ पर पूरा कंप्लीट करते हुए दिखेगा, तो इस रैंप को यहाँ पर देखना है क्या करते हुए फुलफिल होते हुए दिखता है, तो आपको इसमें सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पर गैप डाउन अगर खुलता है, तो जो भी यहाँ पर पुट बाइंग करके गए हैं वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट यहाँ से लोग लेकर के निकलेंगे, तो एक यहाँ पर शार्प मूव आपको दिखेगा, यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग पुट के सेट देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, जो यहाँ पर पुट लेकर गए हैं वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। तो नहीं देखिए गैप अप और गैप डाउन हमें क्या करना है कि नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है कि उस एरिया में क्या प्राइसन बनाता है, उसकी अकॉर्डिंग ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। गैप डाउन खुला इसी में यहाँ पर बेरिश प्राइसन बना करके नीचे निकला था, यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है। या फिर यहाँ पर इस एरिया में गैप डाउन खुलता है, इस एरिया में कुछ बुलिश प्राइसन बनाता है, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। सिंपल थ्योरी अपना सेमेंट सेट रहेगा यहाँ पर बुलिश का, ठीक है, डेटा यहाँ पर जो है बेरिश बता रहा है, ठीक है, लेकिन लेवल यहाँ पर चार्ट अगर चार्ट को ज़्यादातर हम लोग फॉलो करेंगे, तो चार्ट यहाँ पर देखें यहाँ पर जो है बुलिश बता रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बुलिश का ट्रेड लेंगे, इस एरिया में बुलिश प्राइस ढूंढने की कोशिश करेंगे, बुलिश प्राइस बनता है तो हम यहाँ पर बाइक के सेट ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को इस चीज़ समझ में आ गया होगा कि लेवल कैसे निकालते हैं, लेवल पर कैसे ट्रेड जो है करना है, और लेवल पर किस तरीके से हम लोग को स्टेप बाय स्टेप कदम उठाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब सीखिए और समझिए।